फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग तो आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ओल्ड भोजपुरी डीजे स्टेटस एडिटिंग तो जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू तो आज हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे ओल्ड भोजपुरी सॉन्ग पे तो डी स्टेटस तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने एलाइट मोशन के होम स्क्रीन पर तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा सेक इफेक्ट का और बीट मार्क प्रोजेक्ट का तो फ्रेंड्स वहां से आप उसे इंपोर्ट कर लेंगे एलाइट मोशन में तो इंपोर्ट करने के बाद हम अपने चलेंगे प्रोजेक्ट में तो यहाँ से प्रोजेक्ट पर टाइप करेंगे फिर अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो यार हमारा बीट मार्क प्रोजेक्ट तो बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद हम लोग अपनी फ़ोटो को ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स फ़ोटो को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ प्लस पे टाइप करेंगे फिर मीडिया पे मीडिया पे जाने के बाद यहाँ से फोल्डर पे आप लोग जिस भी फोल्डर में अपनी फ़ोटो को रखे होंगे यहाँ से आपका फोल्डर शो करेगा तो आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे तो हम अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब हम अपनी फोटो को ऐड करेंगे तो फोटो पे टाइप करेंगे फिर यहाँ से थ्री डॉट पे टाइप करके यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया कर लेंगे तो हमारी फ़ोटो फुल स्क्रीन हो जाएगी फिर यहाँ से जहाँ से वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके साइड में एक एरो का निशान है यहाँ पर टाइप करके बाकी का शेष पार्ट कट कर देंगे फिर नेक्स्ट फ़ोटो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे फिर प्लस पे टाइप करके मीडिया पे टाइप करेंगे फिर यहाँ से नेक्स्ट फ़ोटो हम लोग ऐड करेंगे फिर यहाँ से थ्री डॉट पे टाइप करके हम लोग फिर कंपोजिशन एरिया करके फुल स्क्रीन कर लेंगे फिर एरो पे टाइप करके यहाँ से कट कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट फ़ोटो हम लोग ऐड करेंगे प्लस पर टाइप करेंगे मीडिया पर टाइप करेंगे फिर यहाँ से नेक्स्ट फ़ोटो ऐड करके थ्री डॉट पर टैप करके फिल कंपोजिशन एरिया करके फुल स्क्रीन कर लेंगे फिर एरो पर टैप करके यहाँ से कट कर लेंगे तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हम अपनी सभी फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स जहाँ जहाँ आपका वीडियो है उस यहाँ पर छोड़ देंगे बाकी सभी जगह अपनी फ़ोटो को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो चलिए हम लोग अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम अपनी यहाँ पर सभी फ़ोटो को ऐड कर लिए हैं तो अब हम इस फ़ोटो पे अपना प्रीसेट को यहाँ से पेस्ट करेंगे जो सेक इफेक्ट हमने दिया है तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी फ़ोटो यहाँ तक ऐड हो चुकी है तो अब लोग हम चलें तो अब हम चलेंगे अपने सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में तो, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो यहाँ पर सभी ऐड हो चुकी है तो हम अपने फोटो को यहाँ पर ऐड कर लिए हैं तो अब हम लोग इस फोटो में अपना सेक इफेक्ट को लगाने वाले हैं तो सेक इफेक्ट एक को लगाने के लिए हम चलेंगे अपने सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में तो यहाँ से बैक होंगे बैक होने के बाद हम अपने सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को यहाँ से देख लेंगे तो ये रहा हमारा सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तो यहाँ से हम लोग सेक इफेक्ट को कॉपी करेंगे तो यहाँ से ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट था तो यहाँ से फोटो पे टैप करके यहाँ से इफेक्ट पे टैप करेंगे यहाँ से थ्री डॉट पे टैप करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे तो फिर बैक चलेंगे हम अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट में तो ये रहा हमारा बीट मार्क प्रोजेक्ट तो हम अपने फर्स्ट इफ़ेक्ट को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो फ़ोटो पे चलेंगे तो फ़ोटो पे आने के बाद हम लोग यहाँ से फ़ोटो पे टाइप करेंगे फिर यहाँ से इफेक्ट पे टाइप करके यहाँ से थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट इफ़ेक्ट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इस फ़ोटो पे हमारा फर्स्ट इफ़ेक्ट जो है कि पेस्ट हो चुका है तो इसी प्रकार नेक्स्ट फोटो पे भी हमारा फर्स्ट इफ़ेक्ट लगेगा तो यहाँ से मीडिया इफेक्ट पे टाइप करके थ्री डॉट पे टाइप करके पेस्ट इफ़ेक्ट कर लेंगे फिर से नेक्स्ट फोटो पे हमारा हमारा फर्स्ट इफेक्ट यहाँ तक लगेगा आप लोगों को बता दे रहे हैं छः दो छः दो तक हमारा फर्स्ट इफ़ेक्ट लगने वाला है तो चलते हैं एक बार हम और आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ से फ़ोटो पे टैप करके इफेक्ट पे टैप करके थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आप सभी फ़ोटो को यहाँ से छः दो तक जहाँ तक हमने बताया है यहाँ तक अपने फर्स्ट इफेक्ट को पेस्ट कर लें तो हम अपने फर्स्ट इफेक्ट को यहाँ तक पेस्ट कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट इफेक्ट यहाँ तक लग चुका है छः दो तक अब इसके बाद हम नेक्स्ट फ़ोटो पे अपना नेक्स्ट इफेक्ट लगाने वाले हैं तो ये हमारा वीडियो है वीडियो के बाद जो नेक्स्ट फ़ोटो है इस फोटो पे हमारा दूसरा इफेक्ट लगेगा तो यहाँ से बैक चलते हैं अपने सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में तो सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में आने के बाद हम अपने दूसरे इफेक्ट को यहाँ से कॉपी करेंगे फोटो पे टाइप करेंगे फिर इफेक्ट पर टाइप करके यहाँ से थ्री डॉट पे टाइप करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे फिर यहाँ से बैक चलेंगे अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट में तो बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद हम अपना दूसरा इफेक्ट वहाँ पर लगाएंगे तो फ्रेंड्स देखते हैं हम अपना दूसरा इफेक्ट कहाँ पर लगेगा तो ये वीडियो है इस वीडियो के बाद हमारा यहाँ नेक्स्ट फोटो पे हमारा दूसरा इफेक्ट लगने वाला है तो यहाँ से फोटो पे टैप करके इफेक्ट पे टैप करके यहाँ से थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर लीजिएगा फिर नेक्स्ट फोटो पे भी वही है फ़ोटो पे टैप करके इफेक्ट पे टैप करके थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट इफ़ेक्ट कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हमारा दूसरा इफेक्ट लगने वाला है दस सोलह तक दस सोलह तक हमारा दूसरा इफेक्ट लगने वाला है तो हम लोग यहाँ तक अपना दूसरा इफेक्ट लगा लीजिए तो चलिए हम अपना इफेक्ट यहाँ तक लगा लेते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा दूसरा इफेक्ट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है तो अब नेक्स्ट इफेक्ट हम लोग लगाने वाले हैं तो इस वीडियो के बाद जो हमारी फोटो है यहाँ पर हमारा तीसरा इफेक्ट लगने वाला है तो चलते हैं अपने यहाँ से तीसरे इफेक्ट को ले लेते हैं तो यहाँ से बैक चलेंगे अपने सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में तो सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में आने के बाद फ्रेंड्स हम अपना तीसरा इफेक्ट कॉपी करेंगे यहाँ से फोटो पे टैप करके थ्री डॉट ई इफेक्ट पे टैप करके थ्री डॉट पे टैप करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे फिर बैक चलेंगे अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट पर तो बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद हम अपना तीसरा इफेक्ट को लगाएंगे तो चलते हैं हम अपने फ़ोटो तक तो फ्रेंड्स ये रही हमारी फ़ोटो तो आप फोटो पे टाइप करके यहाँ से इफेक्ट पे टाइप करके थ्री डॉट पे टाइप करके पेस्ट इफ़ेक्ट कर लीजिएगा तो हमारा इफेक्ट यहाँ पे तीसरा इफेक्ट लग चुका है फिर नेक्स्ट इफेक्ट नेक्स्ट फोटो पे भी हमारा तीसरा इफेक्ट लगेगा तो इफेक्ट पे टाइप करके थ्री डॉट पे टाइप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे तो हमारा तीसरा इफेक्ट यहाँ पर लग गया है अब नेक्स्ट इफेक्ट हम लोगों का लगेगा यहाँ तक तो चौथा इफेक्ट हमारा इस चार फोटो पे लगने वाला है सिर्फ चार फोटो पर ही हमारा चौथा इफेक्ट लगेगा तो हम चलते हैं अपने सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में तो यहाँ से बैक चलते हैं सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में आने के बाद जो हमारा चौथा इफेक्ट है तो उस इफेक्ट को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे तो ये इस फोटो पे टाइप करके इफेक्ट पे टाइप करके यहाँ से थ्री डॉट पे टाइप करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे फिर बैक चलेंगे अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट में तो बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद हम लोग यहाँ से चौथे इफेक्ट को हम लोग यहाँ से पेस्ट करेंगे तो हम चलते हैं अपने फ़ोटो पर तो फोटो पर जाने के बाद हम लोग चौथे इफेक्ट को यहाँ से पेस्ट करेंगे तो फ्रेंड्स ये ये रहा हमारा तीसरा इफेक्ट तो अब यहाँ से चार एफ, चार फोटो पे हमारा चौथा इफेक्ट लगने वाला है तो यहाँ से फ़ोटो फिर चलते हैं तो इस फोटो पे टैप करके यहाँ से इफेक्ट पे टैप करके यहाँ से थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे इसी प्रकार नेक्स्ट फोटो पे भी यहाँ से टैप करके इफेक्ट पे टैप करके थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे फिर नेक्स्ट फोटो पे भी हम लोग यहाँ से टैप करके इफेक्ट पे टैप करके थ्री डॉट पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे एक फोटो और बची है इस चौथे फ़ोटो पे भी हम लोग चौथा इफेक्ट लगा देंगे यहाँ से इफेक्ट पर टाइप करके थ्रो डॉट पर टाइप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा चौथा इफेक्ट यहाँ पर लग चुका है अब यहाँ से यहाँ पूरा लास्ट तक हमारा इफेक्ट लगने वाला सेकेंड इफेक्ट अब जो भी शेष फोटो हमारी बची है उस पर हमारा सेकेंड इफेक्ट लगेगा तो फ्रेंड्स हम लोग बैक चलते हैं अपने सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में तो सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में आने के बाद हम अपने सेकेंड इफेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो इस फोटो पर टाइप करके इफेक्ट पर टाइप करके यहाँ से थ्री डॉट पर टाइप करके यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे फिर बैक चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो हम बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद तो हम अपना सेकेंड इफेक्ट लगाएंगे जो भी शेष फ़ोटो बची है हमारी तो हम लोग यहाँ से आ चुके हैं अपने फ़ोटो पर तो यहाँ तक हमारा चौथा इफेक्ट लगा था तो इसके बाद नेक्स्ट वाली फ़ोटो पर हमारा दूसरा इफेक्ट लगने वाला है यहाँ से इफेक्ट पे टाइप करके थ्री डॉट पे टाइप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे फिर नेक्स्ट फोटो पे भी हम लोग यहाँ से टाइप करके इफेक्ट पे टाइप करके थ्री डॉट पे टाइप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे इसी प्रकार हम सभी फ़ोटो पे अपना सेकंड इफेक्ट लगाने वाले हैं तो आप लोग लगा लीजिए हम तो ये यहाँ तक हमारा इफेक्ट लगा है फिर फोटो पर टाइप करके इफेक्ट पर टाइप करके पेस्ट इफेक्ट कर लेंगे तो इसी प्रकार हम पूरा लगा लेते हैं अपने इफेक्ट को यहाँ तक सभी फ़ोटो पे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो पे इफेक्ट लग चुका है सेकेंड इफेक्ट लास्ट फ़ोटो तक पूरा लग चुका है तो अब हमारा वीडियो पूरा बन के तैयार हो चुका है तो फ्रेंड्स अगर अभी भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें तो फ्रेंड्स धन्यवाद